हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर न्यू गाइड्स की डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। सर हमें ना ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के साथ भी टाइप करना चाहिए, इससे हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। हाँ जोगिंदर, जरूर करना चाहिए, पर फिर फीस भी तो बढ़ानी पड़ेगी। सर फीस बढ़ाने के बजाय हम बैचेस बढ़ा सकते हैं, क्लासेस बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो रिकवर हो जाएगा। इस बैच के खत्म होने से पहले हम नया बैच शुरू नहीं कर सकते, और फिर क्लासेस बढ़ाने के बाद भी तो फीस बढ़ानी पड़ेगी ना, वरना कोई मतलब नहीं है। देखो हम इन स्टूडेंट्स को बैंक एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, जिससे ये जॉब लेके सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा फीस तो भर ही सकते हैं भाई। हाँ सर बात तो सही है। सर अगर आप फीस बढ़ा ही रहे हैं तो स्टाफ की सैलरी भी बढ़ा दीजिए। चलो अभी चलते हैं, लेट हो रहा है। यस सर। गीता जी सर, तुम साथ चल रही हो या बाद में लॉक करके आओगी? नहीं सर चल रही हूँ, बस हो गया। मैंने सैंपल पेपर डाउनलोड कर लिए, बाकी कल करूंगी। उस सैंपल पेपर के साथ अगर बैंक इंटरव्यूज हो तो वो भी मेल कर देना। हाँ, ठीक है। थैंक यू। चलो कल मिलते हैं। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर कौन है आप लोग? अंदर चल। क्या चाहिए आप लोगों को? चाहिए क्या तुम लोगों को? अरे क्या चाहिए? चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास है, ये रही चाबी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, क्यों खोल 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 रहा हूँ मैं भैया, ये तो बताओ क्या क्या चाहते क्या है आप? मेरी बात आपको क्या चाहिए? आप बात तो एकदम चुप, जरा भी आवाज की ना तो तीनों को ढेर कर देंगे। दोनों को अंदर लेके जा, घर चल, चल। ए, बांध इसको। अरे चल, बांध। माँ आप खाना खा लो, वैभव का फोन नहीं लग रहा है। 9:30 बज गए, अब तक तो वैभव को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया होगा? पता नहीं माँ, ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा, शायद जोगिंदर के साथ कहीं गए होंगे, नेटवर्क इशू होगा। 10 मिनट और इंतजार कर लेते। कहाँ हैं आप वैभव? मैं और माँ आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। आरती जोशी वैभव जोशी की पत्नी, जो एवी स्टडी सेंटर का ओनर और डायरेक्टर था, उसे ढूंढते हुए स्टडी सेंटर आती है, जहां उसे अंदेशा होता है कि शायद कुछ गलत हुआ है। आरती घर वापस जाकर सेंटर के मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी लेकर वापस आती है और दरवाजा खोलती है।
स्टडी सेंटर के अंदर जिन हालात से उसका सामना होने वाला था वो बेहद चौंकाने वाले थे। वैभव, पता नहीं मैम, उन्होंने मैं बांधा और बाहर से खुंडी लगा के चले गए। क्या आरती मैम, वो मुझे लगता है वो वैभव सर को दूसरे वाले क्लासरूम में ले गए होंगे। जोगिंदर, गीता, क्या हुआ है यहाँ? ये सब किसने किया? मैम, वो तीन लोग थे, तीनों के पास गन्स थे। हम सेंटर से निकल ही रहे थे कि अचानक वो लोग जबरदस्ती हम तीनों को अंदर ले गए। उनमें से दो लोगों ने मुझे और गीता को क्लासरूम वन में बांधा और वो तीसरे आदमी वैभव सर को अपने साथ ले गए। ये लोग वैभव को कहाँ ले गए होंगे? मैम, हमें नहीं पता वो वैभव सर को कहाँ ले गए या उनके साथ क्या किया। हमें दूसरे कमरे में बंद करके बाहर से कड़ी लगा कर चले गए। वो तीन थे, उनमें से दो हमें क्लासरूम में लेकर गए और बांध दिया। उसके बाद वो तीसरा आदमी भी वहाँ आया था। तुम्हें उन तीनों की शक्लें याद हैं? शक्ल दिखी ही नहीं, उन तीनों का चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था। वैभव कहाँ है? कहाँ ले गए वो लोगों ने? आरती मैम, हमें नहीं पता वैभव सर कहाँ है। गीता, तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट, कोई जोर जबरदस्ती की उन्होंने? और जब वो तीसरा आदमी अंदर आया मुझे लगा शायद कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लास्ट बैच की क्लास 7:30 बजे खत्म हुई थी। वैभव सर और मैं बैच और क्लासेस को लेकर कुछ नए एडिशनल मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। सर, मैंने भी अपनी लास्ट क्लास खत्म की और फिर हम तीनों घर जाने के लिए निकले। गीता, जोगिंदर, आप दोनों यहाँ पे पढ़ाते हैं? यस सर। फिर क्या हुआ? सर, फिर वैभव सर और गीता कार की तरफ गए और मैं बाहर निकल कर गेट खोलने गया। और सर, जैसे ही मैंने गेट खोला और टर्न किया तो तभी अचानक से वो तीनों हाथ में गन लिए, चेहरा ढके हुए, और हमें गन पॉइंट पर जबरदस्ती सर अंदर की तरफ ले गए। और सर, उन्होंने जबरदस्ती वैभव सर से सेंटर का लॉक खुलवाया। खोल, ये क्या क्या चाहिए? सर, वो लोग हमें यहाँ से क्लासरूम की तरफ लेकर गए थे। उन तीनों में से एक आदमी जो बाकी दोनों को ऑर्डर दे रहा था, उसने उन दोनों को हमें इस कमरे में बंद करने को कहा और खुद वैभव सर को इस क्लासरूम में लेकर गए। मुझे वैभव की चिंता हो रही है, पता नहीं ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं। ये तो आप ही लोगों को बताना होगा कि वो लोग कौन हो सकते हैं। सर, डायरेक्टर केबिन में बैग मिला, इसमें 3 मोबाइल। मैम, ये फोन तो मेरा है। और मैम, ये फोन मेरा है। ये फोन तो वैभव का है। आरती जी, आपके कोचिंग सेंटर में कहीं सीसीटीवी लगा? नहीं सर। बेटा, कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं और वैभव को क्यों लेके गए हैं और कहां लेके गए हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, यहाँ क्या हुआ है? आरती जी, हमें वैभव का एक फोटो चाहिए, हम पता लगाते हैं। सर, मैंने पूरा सेंटर देख लिया, कहीं पर भी, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स केबिन को भी देखकर ये नहीं लग रहा है कि वो लोग चोरी या फिर लूटपाट के इरादे से आए थे। मैम, लूटपाट के लिए यहाँ क्लास में कुछ है भी नहीं, और वैसे भी पैसे या कोई इम्पोर्टेंट चीज हम यहाँ रखते नहीं है। बिना आसपास के एरिया और मार्केट में पता करो, कहीं सीसीटीवी है क्या? शायद। आरती जी, आपकी नजर में कोई ऐसा है जो वैभव को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? आरती जी, हमने जोगिंदर और गीता से 3 बार पूछताछ की, उनके बयान से यही सामने आया है कि वो तीनों नकाबपोश आपके पति वैभव जोशी के लिए आए थे। लेकिन क्यों वो लोग मेरे पति वैभव को ही क्यों ले गए? सर, वैभव की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है?
पांच साल से कोचिंग क्लासेस चला रहा है, पढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी है उसकी। पर मोहन जी, आपके जीजा वैभव जोशी की सीधी सादी जिंदगी में कुछ तो टेढ़ा हुआ होगा, जो 11 अगस्त की रात को तीन बंदूकधारी बंदूक की नोक पर उन्हें उठाकर ले गए, उनका मोबाइल पीछे छोड़ गए, इतनी प्लानिंग के पीछे कोई तो वजह होगी। सर मुझे तो कुछ नहीं पता। आरती, उन्होंने तुम्हें कुछ बताया था? नहीं भैया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था ऐसा। और इनफैक्ट आप माँ जी से भी पूछ सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता। पर आरती जी, कुछ तो है, क्योंकि जो तीन लोग आए थे वो ऐसे नहीं आए, वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। प्लीज आप लोग मेरे पति को ढूंढिए। मीनाक्षी जी, आपका और आरती जी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया, लैंडलाइन फोन भी टैप किया जा रहा है, फिर आरती का कॉल आते ही हम उन लोगों तक पहुंचेंगे और वैभव को सही सलामत वापस लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। पर वैभव को कौन किडनैप करेगा और क्यों? वैभव को कभी किसी से कोई धमकी मिली, कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा? नहीं, वैभव ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। पार्वती जी, किशोर जी, आप तो उसकी बहन और जीजा हैं, क्या वैभव ने कभी कुछ शेयर नहीं किया? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और भैया ने हमें कभी बताया भी नहीं इस बारे में कुछ। हो सकता है आरती भाभी को कुछ बताया हो। इस बारे में वो भी कुछ नहीं जानता। सर, मैंने कोचिंग क्लास के आसपास का एरिया पूरा मार्केट छान मारा, यहाँ कहीं भी सीसीटीवी नहीं मिला, और यहाँ कोई एटीएम भी नहीं है कि उसके सीसीटीवी से हमें कुछ मिल जाता। पहली बार आरती 10:45 11:45 सेंटर पर आई, फिर चाबी लेकर 11:00 दोबारा आई, तो मतलब वो 11:00 से पहले ही वैभव को ले गए होंगे। आसपास के लोगों से या दुकानदार से पता किया? सर, मैंने मार्केट के लगभग सभी दुकान वालों को वैभव की फोटो दिखाई, सबका यही कहना है कि किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। 9:10 तक लगभग सभी दुकानें बंद भी हो जाती हैं, उसके बाद वो लोग वैभव को कहीं लेके गए होंगे, तो ज्यादा लोग रास्ते पर रहे नहीं होंगे। ठीक है, सेंटर के लोगों से बात करनी पड़ेगी। इस कोचिंग सेंटर में कुछ तो अजीब हुआ, तीन लोग आते हैं और वैभव को उठा के ले जाते हैं, जबकि जोगिंदर और गीता को बिना नुकसान पहुंचाए वहीं छोड़ जाते हैं। 11 अगस्त की घटना निश्चित तौर पर एक ऐसे हैरतअंगेज जुर्म की तरफ इशारा कर रही थी, जहां तीन हथियारबंद नकाबपोशों ने हमला तो किया, लेकिन जोगिंदर और गीता को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ वैभव जोशी को साथ लेकर फरार हो गए। ये घटना क्या वाकई किडनैपिंग की थी, या सिर्फ वैभव जोशी को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश? अरविंद, 5 साल पहले जब ये कोचिंग सेंटर खुला था, आप तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी। तब तो आप सब कुछ जानते होंगे, सेंटर को, सेंटर के लोगों को। जी सर, मैं यहाँ पे सबसे पुराना हूँ। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि जो कुछ भी हुआ है वो अचानक नहीं हो सकता। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था सर। ऐसा कुछ मतलब? मतलब सर, मैं और जोगिंदर भी यही बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने वैभव सर को ही क्यों चुना, साथ में जोगिंदर और गीता भी तो थे। करेक्ट। पर हम वैभव की माँ मीनाक्षी जी और उनकी बीवी आरती दोनों के मोबाइल के साथ साथ लैंडलाइन भी टैप कर रहे हैं, अभी तक फिरौती का कोई कॉल नहीं है, कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई, माजरा कुछ और। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसे लगा था सर, जब मैंने जोगिंदर से बात की थी। अरविंद, एक सेकंड के लिए तो लगा कि वो लोग मुझे मार देंगे, और जिस तरह से वो गीता को देख रहे थे लगा कि बहुत गलत होने वाला है। वो तीन लोग आए और सिर्फ वैभव सर को ले गए, तुम दोनों को कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपको जोगिंदर को क्या लगता है, कौन कर सकता है, किसी पर शक? एक्चुअली वो गीता और वैभव सर का दोनों का अफेयर है। यस सर, मैंने खुद देखा। सर एक्चुअली अरविंद को भी उनके अफेयर के बारे में पता है, इसलिए हमें ऐसे लगा कि इस तरह से तीन लोग आए और सिर्फ वैभव को उठाकर ले गए, ये सब नाटक था, फर्जी था, असली मकसद कुछ और है। वैभव ने किडनैपिंग का ये सारा ड्रामा अपने किसी मकसद में कामयाब होने के लिए किया, और साथ में गीता भी शामिल है। पता नहीं सर, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो वैभव सर और गीता के बीच में चल रहा। पर सर, ईमानदारी से बोलूँ तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि एक को उठा के ले गए और दो को सही सलामत छोड़ दिया। हम वैभव और गीता के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे हैं कि क्या उन्होंने किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया था ऐसा कुछ करने के लिए, बाकी तो अपने लेवल पे पता कर। ठीक है सर, मैं अपना नेटवर्क काम पे लगा देता हूँ, बाकी अगर ये अंदर की मिली भगत है तो मुझे लगता नहीं कि किसी हिस्ट्री शीटर को ये काम दिया होगा, बल्कि 99.9% बोल सकता हूँ कि घर में नकली होंगी। तो अपनी थ्योरी लगाना बंद कर उस्मान, और जो बोला है वो पता कर कि क्या ऐसा कुछ कोई ड्रामा था, और इस ड्रामे को खेलने के लिए क्या किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया गया था। सर, 2 दिन हो गए मेरे पति को गायब हुए, और आप लोग उन्हें ढूंढने के बजाय मुझे ये बता रहे हैं कि उनका गीता के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को किडनैप करवाने का नाटक किया।
आरती जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ, लेकिन जो हुआ है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अभी तक फिरौती का कोई कॉल नहीं है, तो वैभव को अपने साथ क्यों लेकर गए? सर, ये पता लगाने का काम आप लोगों का है। आप लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए कहानी बना रहे। आपको इन बातों पर विश्वास हो रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं है। मेरी और वैभव की शादी को 6 साल हो चुके हैं। वो इंस्टीट्यूट हमारा सपना है, हमने मिलकर शुरू किया था। और रही बात अफेयर की, तो वैभव ऐसे इंसान है ही नहीं, और अगर ऐसा है भी तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं क्यों जाएंगे? आरती जी, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हमने वैभव की तस्वीर वाराणसी के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी, पुलिस अपना काम कर रही है। हम 11 अगस्त की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल लें, ताकि कहीं से कोई सस्पेक्ट गाड़ी नजर आ जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं है। लेकिन आपके सेंटर से जो बात सामने आई है वो फैक्ट है, वैभव और गीता का अफेयर था। उस रात जो 3 बंदूकधारी कोचिंग सेंटर में आए थे, उन्होंने गीता और जोगेंद्र को वहीं छोड़ा और आपके पति वैभव जोशी को साथ में ले गए। अब खुद सोचिए और बताइए, उन 3 लोगों ने ऐसा क्यों किया? गीता वैभव जोशी का है, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? और आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नाटक बंद करो समझी, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा और वैभव का अफेयर चल रहा है। हाँ, मेरा और वैभव सर का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने उनकी किडनैपिंग करवाई है। अगर तुमने नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? वैभव ने, वो अपनी किडनैपिंग खुद क्यों करवाएगा? अरे माना हम रिलेशनशिप में, पर इस किडनैपिंग से हमारा क्या फायदा हो सकता है, आप ही बताइए। क्योंकि ये भी तो आप ही का कहना है कि किडनैपिंग फेक है। खुद को किडनैप करा के वैभव सर को क्या मिलेगा? तो तुझे लगता है कि वो सच में किडनैप हुए हैं? मोहन भैया, ये पुलिस क्या अनाप शनाप बोल रही है? उनका कहना है कि वैभव और गीता का अफेयर चल रहा है, जबकि मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती, तुम्हें कोचिंग क्लासेस से ब्रेक लिए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। तो क्या हुआ? वैभव मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। माँ जी, आरती, हम सब जानते हैं कि वैभव कैसे है, मगर उस गीता ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसका वैभव के साथ में अफेयर चल रहा है। ये गीता वीता जो कोई भी हो ना, झूठ भी तो बोल सकती है। मगर माँ जी, अगर किसी औरत का किसी शादीशुदा मर्द के साथ नाम जुड़ता है और वो बात सच भी हो, तो भी औरत मानती नहीं है, झुटला देती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। गीता सीना ठोक कर कह रही है कि उसका और वैभव भाई साहब का अफेयर है। ठीक है, उसने मान लिया, मैंने भी मान लिया कि गीता और वैभव का अफेयर चल रहा है। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि मुझे छोड़कर गीता के साथ जाने के लिए उन्होंने खुद को किडनैप करवा लिया? क्यों? अब भी आप यही कहेंगे कि आपको नहीं पता वैभव कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, और कैसे कहूँ, कितनी बार कहूँ आपसे, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता वैभव सर कहाँ है। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ से, वाराणसी से बाहर नहीं। क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि हमें पता है कि आपके और वैभव के बीच में क्या चल रहा है। 4 दिन हो गए गीता और वैभव के कॉल रिकॉर्ड छानते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि ये दोनों ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे थे। देखा जाए तो आरती का पॉइंट तो सही है, इस तरह खुद को किडनैप करवा के वैभव को क्या हासिल हो? उसके बैंक अकाउंट तक आरती के साथ ज्वाइंट में, 1 पैसा इधर से इधर नहीं हुआ। बात तो सही है सर, वैभव ऐसा क्यों करेगा? कोचिंग क्लासेस खोलना उसका सपना था। एग्जैक्टली, वही तो पॉइंट। हेलो, आपको अंदाजा है हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार है? कौन बोला? देश में फैली बेरोजगारी का अंदाजा है कुछ? पहले तुम बताओ, तुम बोल कौन रहे हो? मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है, उन लाखों करोड़ों में से एक बेरोजगार जो एक नौकरी पाने के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। तुम ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो? 1 साल की कोचिंग की फीस 60,000 रुपए, 40,000 रुपए ऊपर से नौकरी दिलवाने की गारंटी के। कितने हुए? पूरे 1,00,000 रुपए। मैं अकेला नहीं हूँ जिसने 1,00,000 रुपए भरे। 1,00,000 भरने के बाद भी नौकरी नहीं है। क्या इस सब का वैभव जोशी के एवी कोचिंग सेंटर से कुछ लेना देना है? जब कोई बिना रोजगार भूखा मरता है ना, पूरे 1,00,000 रुपए भर के, तब उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखती, उसकी समस्या, उसकी मेहनत। पर अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि अब आपके पास भी एक परेशानी है, ये जानने की कि जिसने मुझे परेशान किया उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। हेलो हेलो, दिलीप, पता करो ये फोन कहाँ से है। पता करता हूँ सर। ललिता पांडे। अब कौन सी नई गुथी लाई? सर, गीता से पहले एक और लेडी टीचर थी कोचिंग क्लास में, 2 साल पहले एवी स्टडी सेंटर में पढ़ाती थी। पक्का ललिता, ये महीना जाने दो, अगले महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में पक्का बात करें, देखते हैं कितनी बढ़ा सकते। थैंक यू वैभव सर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही।
मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और ललिता के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? मैम, ये वैभव सर ने ये क्या है? अभी 3 महीने पहले ही तुमने 25% की हाइक दी थी ना उसे सैलरी में, अब 50% देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करती है, अच्छी टीचर है, मेहनती है। मैं तो सोच रहा हूँ एक बैच और बढ़ा दूँ। वो सुबह क्लास देने को तैयार है और हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, मॉर्निंग का बैच होगा तो तुम्हें भी जल्दी जाना पड़ेगा ना। बैच का बैच चलेगा और साइड बाय साइड तुम्हारी ऐश भी है ना। आरती, तुम वैभव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं एक सक्सेसफुल बैंकर रह चुकी हूँ। बिजनेस और उसकी बारीकियां ना अच्छी तरह से पकड़ लेती हूँ, और मुझे नजर आ रहा है कि मेरा बिजनेस और मेरी पर्सनल लाइफ ना दोनों कहाँ जा रहे हैं। तुम गलत सोच रही हो, मेरे और ललिता के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा ना, ठीक है, तो कल जाकर ललिता से ना सामने सामने पूछ लेते कि तुम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं। जहां एक तरफ गीता के साथ वैभव का अफेयर इस किडनैपिंग के पीछे की वजह दिखाई दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ सामने आया एक अज्ञात फोन कॉल जिसमें नौकरी देने का झांसा देकर पैसे लेने की बात भी सामने आई। फिर अचानक ललिता नाम की महिला का खुलासा हुआ। ललिता 2 साल पहले एवी स्टडी सेंटर में पढ़ाती थी, जिसका वैभव के साथ अवैध संबंध था। क्या वैभव के अगवा होने के पीछे इन 3 कारणों में से कोई एक कारण था या वजह कुछ और ही थी? तहकीकात के दौरान इस केस में अभी पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले सच आने बाकी थे। पहले गीता, अब ललिता, योगेंद्र शर्मा, अरविंद कश्यप, वैभव जोशी के बारे में और क्या बताना बाकी? अब सब कुछ एक साथ बताओगे या अभी किस्तों में बताओगे? नहीं सर, वो हमें बाद में लगा कि वैभव सर गीता के कारण खुद की किडनैपिंग क्यों करेंगे, इससे उन्हें क्या मिलेगा, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। सर फिर याद आया कि 2 साल पहले जब वैभव सर का ललिता के साथ रिलेशन था, तब आरती मैम भी यहाँ काम करती थी, और जब आरती मैम को इन दोनों के बारे में पता चला तो उन्होंने तमाशा किया और बहुत बेइज्जती करके ललिता को कोचिंग सेंटर से निकाल दिया था। रेजिग्नेशन दे और निकल जाए यहाँ से, दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आरती पहले लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, क्या बात सुनो तेरी, हाँ? अपनी नौटंकी की दुकानदारी उठा और दफा हो जाए यहाँ से। अगर मैं जाने से मना कर दूँ तो? मना करके तो देख, ऐसी हालत करूंगी ना तेरी तू सोच भी नहीं सकती। धमकी? धमकी नहीं दे रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं और वैभव पति पत्नी है, तेरी तरह हर किसी का पैसा देखकर ना मुंह नहीं मारते फिरते हम लोग। निकल जाए यहाँ से, वरना तेरे बाल खींचकर घसीटते हुए तुझे धक्के मार कर निकालूंगी यहाँ से। Get out! और सर फिर हमें लगा कि अगर वैभव सर को सच में किसी ने किडनैप किया है तो वो कौन हो सकता है और क्यों? फिर हमें ललिता का ध्यान आया। सर ललिता इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती भूलने वालों में से नहीं थी, और जिस तरह उस दिन वो कोचिंग सेंटर से गुस्से में रोते हुए निकली थी, सर हमें लगा कि तो आप लोगों को लगा कि वैभव जोशी को गीता ने नहीं ललिता ने किडनैप करवाया होगा। तुमको सबूत चाहिए? सबूत नहीं, बस कंफर्म कर रही हूं कि काम हुआ या नहीं। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? हां लगा दिया। पक्का? तुमने ये काम किसी और पे तो नहीं छोड़ा? नहीं, मैंने खुद किया है। तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या? यकीन करो, हमने काम पूरा कर दिया, तुमको डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक से हुआ है। कहाँ रहती है ललिता? सर इलाहाबाद। उसका फोन नंबर, एड्रेस सब लिखो, और उसकी फोटो भी चाहिए। सर एक बुरी खबर है, इलाहाबाद के आजाद नगर पुलिस स्टेशन एरिया में एक डेड बॉडी मिली। और वो डेड बॉडी वैभव जोशी की है? जी सर। मतलब ये झूठा किडनैपिंग का नाटक नहीं था, जोगिंदर और गीता की तरह इसके भी हाथ और मुंह बांधा गया था। यस सर। सब आजाद नगर पुलिस स्टेशन हमें बॉडी हैंडओवर कर रही है। विक्टिम की मौत हुए 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। किडनैपिंग 11 अगस्त को हुई, आज 16 अगस्त है, तो क्या पॉसिबल है कि जिस रात किडनैपिंग हुई मर्डर उसी रात कर दिया गया हो? पॉसिबल है। चाकू जैसी तेज धार चीज से 14 वार किए गए हैं, बहुत बेरहमी से मारे। दे 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 दे। इस रस्सी और कपड़े से हाथ और मुंह बांधा गया था,
जिस किडनैपिंग को हम फेक समझ रहे थे वो रियल निकली। वो लोग वैभव को उठा के लेके गए, उसका मर्डर कर दिया। 14 बार किए गए इतनी बेरहमी से। इस बेरहमी की कोई तो वजह होगी। अगर उन्होंने उसे मारना ही था तो कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं मारा? 3 घंटे का रास्ता तय करके इस तरह इलाहाबाद क्यों लेकर गए? वैभव जोशी मिसिंग केस अब वैभव जोशी मर्डर केस बन चुका था, और यह बात भी साफ हो चुकी थी कि उन तीनों नकाबपोशों का निशाना सिर्फ और सिर्फ वैभव था। हत्यारे वैभव को अगवा कर कत्ल करने के मकसद से ही आए थे, लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधी से पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ना सिर्फ अनजान थी बल्कि कोसों दूर थी। वैभव जोशी की जिंदगी से जुड़े कई और पक्ष अब पुलिस के सामने आने वाले थे। ललिता पांडे? जी मैं ही हूँ ललिता पांडे। अगर आप ललिता पांडे हैं तो फिर आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि वैभव जोशी का मर्डर हुआ है। नहीं, अभी आप ही से पता चला, बुरा लगा सुनकर। अच्छा, हमने सुना है कि एक टाइम था जब आप दोनों काफी करीब थे। सही सुना है आपने, थी। सर एक्चुअली ये बात यहाँ सबको पता है कि नौकरी की गारंटी के लिए कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा पैसे दिया करते थे, पर हाँ ये है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता था। यस सर, क्योंकि मुझसे भी वैभव सर ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही और ना ही कभी फीस के अलावा कोई पैसे दिए। हाँ मैंने भी नहीं दिए सर, और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। तो फिर किसके साथ होता था? सर मैंने बोला तो कि सिर्फ इधर उधर से सुना है, पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता, और ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि किसी ने पैसे दिए भी हैं या नहीं। सर सर मुझे कुछ बताना था आपको। वो तो मैं तुम्हारी शक्ल देखते समझ गया। बोलो। सर मैंने भी जॉब गारंटी के लिए वैभव सर को पैसे दिए थे। देखो योगी, ये लीगल तो है नहीं कि लिख के दे दो कि नौकरी मिल जाएगी। हाँ जबान दे सकता हूँ कि नौकरी मिल जाएगी, अब भरोसा कर सकते हो तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। सर भरोसा है सर, सर मैं पैसे भी दे दूंगा, पर नौकरी तो मिल जाएगी ना सर? सर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे नौकरी की जरूरत किसको नहीं है, मैं तो सिर्फ 50,000 बोल रहा हूँ, लोग लाखों लिए घूम रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फीस के अलावा 50,000 देने होंगे, वो भी कैश में, और ये बात जाके बाहर किसी को बताना मत। सर मैंने उन्हें पैसे दिए थे सर, अब मेरे पैसे मेरी नौकरी का क्या होगा सर? निखिल बता रहा था कि वैभव जोशी ने और भी स्टूडेंट से पैसे लिए थे, बता सकते हो किस किस से लिए थे? सर पैसे तो बहुत लोगों ने दिए होंगे, किस किस ने दिए ये नहीं मालूम सर, पर जिस दिन वैभव सर किडनैप हुए थे उस दिन मुझे एक पुराने स्टूडेंट मिला था मुझे इस कोचिंग सेंटर में। तुम भी स्टडी सेंटर में हो? हाँ। नौकरी की गारंटी के लिए पैसे दिए हो? दिए हो तब भी इतने परेशान दिख रहे हो इनके गायब होने से। आपको कैसे मालूम कि मैंने पैसे दिए हुए? तुम अकेले नहीं हो जिसे नौकरी का झांसा डालकर ये कमीना पैसा लिया है। ऐसा मत बोलो भाई, मैंने पूरे 50,000 रुपए दिए। 40 से 50 का डाला? 50,000 तो डूब गए, ना नौकरी मिलेगी और ना ही पैसा। क्या पता शायद वैभव जोशी भी कभी ना मिले। उसने कहा था कि वैभव जोशी नहीं मिलेगा? हाँ सर, कुछ ऐसा ही बोला था उसने। कौन था ये लड़का? कौन था ये तो नहीं मालूम सर, ना मैंने उसे नाम पूछा ना उसने बताया कुछ। इसी कोचिंग क्लास में आता था वो? मैंने उसे देखा तो नहीं कभी, पर कभी तो आया होगा ना सर, तभी तो उसको मालूम है कि वैभव सर नौकरी की गारंटी के लिए पैसे लेते हो। दिलीप, आज से लेकर पिछले 5 साल तक एवी कोचिंग सेंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी डिटेल निकलवा। यस सर। मैं भी एडमिन ऑफिस से डिटेल्स निकलवाता हूँ, वहाँ पता चल जाएगा कि लड़का कौन था जो योगेश से मिला था। तब तक मैं आरती से मिलता हूँ। अगर वैभव जोशी नौकरी देने के नाम पर झांसा देने वाला कोई रैकेट चला रहा था तो उसकी बीवी आरती को तो पता ही होगा। राइट सर। सही काटा फेंका ना, अब वो अपने आप रास्ता ढूंढते रहेंगे। अबे एक्टिंग क्या कर रहे तूने यार, जबरदस्त एकदम। सीधा सीधा मेरा नाम आगे करना जरूरी था। समझो जरा, तुम्हारी बात निकली तभी तो ललिता तक गई। लेकिन मैं ललिता नहीं हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ जैसा उसके साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी। मैं सबके सामने तमाशा बन गई थी, और मेरे और आरती के बीच में जो भी हुआ उसमें भी मेरा ही तमाशा बना, और सबसे बढ़कर वैभव, उसने भी हमारे रिलेशन को तमाशा बनाकर रख दिया था।
वैभव ने आपके प्यार का तमाशा बनाया तो आपने बदला ले लिया, जान से मार दिया। बदला? 2 साल बाद बदला लेकर मुझे क्या मिलेगा? मैंने जो खोया है वो वापस कभी नहीं आ सकता। प्यार करती थी मैं वैभव से, शादी करना चाहती थी उससे। अगर तुम आरती को छोड़ दोगे तो उसकी सारी बदतमीजियों का जवाब मिल जाएगा उसे। निकाल बार करो आरती को प्लीज वैभव। वैभव हम साथ में मिलकर अपनी एक नई कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। डिवोर्स दे दो आरती को। ये जगह मेरे अकेले की नहीं है, उसका भी हिस्सा है इसमें, और सिर्फ उसका ही नहीं उसके भाई का भी हिस्सा है। उसे डिवोर्स दे दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उस कमीनी ललिता को ना क्लासेस से निकाल रही हूँ। अगर तुमने उसे वापस रखने के लिए कोई भी गेम खेला ना वैभव, सच में मैं भाई से बोल दूंगी कि अपने शेयर वापस ले ले। मत बोलो कि ये कोचिंग क्लासेस मेरा सपना था, मेरा आइडिया था। ये मैंने अपनी नौकरी को दांव पे लगाया, इसके लिए बड़ी मेहनत करके मैं कोचिंग क्लासेस को यहाँ तक लेकर आया हूँ। तुम ये भी मत भूलो, तुम्हारा सपना जिसकी वजह से पूरा हुआ है ना, वो वजह भी मैं हूँ। मैंने भी अपनी सारी ज्वेलरी, अपनी सारी मेहनत की कमाई, सब कुछ लगा दिया इस जगह को खरीदने के लिए। ललिता को मैं निकाल रही हूँ, और उसे वापस रखने के लिए अगर कोई भी चाल चली ना ढूंढे तो जितना भी कुछ है ना सब छीन लूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुम तो बहुत ही घटिया आदमी निकले, कायर किस्म के। प्यार नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। प्यार तो क्या, तुम्हारे अंदर विल पावर तक नहीं है कि तुम अपने भरोसे अपने दम पर मेरे साथ अपनी एक नई कोचिंग क्लासेस खड़ी कर सको। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अच्छा यही है कि तुम चली जाओ यहां से। मैंने इतनी मेहनत के साथ ये सब कुछ खड़ा किया है, मैं इसे खो नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता इसे। तब सच में मेरा मन किया कि मैं मार दूं उसे भी और उस आरती को। वैभव तो मर चुका है, अब किसकी बारी है? आरती की। तब तो आप आरती के बारे में भी इतनी छानबीन करेंगे ना जितनी मेरे बारे में की है। ललिता हमें आदत है लोगों को एक दूसरे पे इल्जाम लगाते देखने सुनने की। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ। आपको क्या लगता है आरती अपने पति का मर्डर नहीं करवा सकती? योगेश, तुम्हें वाकई में कोई मिला था या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? सर मतलब सर, हमने जोगिंदर शर्मा और अरविंद कश्यप दोनों से बात की, और दोनों टीचर्स का यह कहना है कि वैभव अलग से बुलाकर स्टूडेंट से जो आपके नाम पे पैसे नहीं ले सकता। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हमारे पास आकर पूछना ही नहीं चाहिए था सर कि सर नौकरी के बदले पैसे लेते थे या नहीं। आप सीधा जोगिंदर सर या अरविंद सर से ही पूछ लेते। साहब हिस्ट्री शटर मार्केट तो पूरा छान मारा हमने, पर अभी तक कैसे भू नहीं है कि वैभव जोशी को किडनैप करने और मारने के लिए किसको हायर किया गया था। आपको किसी कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला क्या? हम अभी तक वैभव जोशी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक टिप कि वो नौकरी के नाम पर पैसे खाता था बस इसी में झूल रहे। सर आप वैभव की पत्नी आरती को खंगाली, मैं भी थोड़ा डीप में जाता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर आरती से कनेक्टेड है। सर ललिता भी यही तुक्का लगा रही थी। किसी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला, एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिससे लगे गड़बड़ हुई? नहीं सर, लेकिन वैभव के कॉल रिकॉर्ड से इतना पता चला है कि वो अपने कोचिंग सेंटर की कई लड़कियों के साथ टच में था, और जब मैंने उन सभी लड़कियों से बात की तो सबका यही कहना है कि वो सब क्लासेस और पेपर्स के बारे में बातचीत करती थी। शादीशुदा होकर 2 साल पहले तक ललिता से अफेयर था, ललिता के जाने के बाद 6 महीने पहले ये गीता आई, फिर इसके साथ शुरू हो गए एक और अफेयर। सर ये गीता ये यहाँ सिर्फ टीचर बनकर नहीं आई, ये इससे पहले सेंटर में स्टूडेंट भी रह चुकी है। सर जिस नाराज बेरोजगार का आपको कॉल आया था? मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है। उसका नाम एड्रेस सब फर्जी, उस सिम से सिर्फ एक ही फोन किया गया था जो आपको आया था। और सर वो योगेश पाल जिसने हमें लीड दी थी कि वो कोचिंग क्लास के किसी एक्स स्टूडेंट से मिला था जिसने बताया था कि वैभव नौकरी का लालच देकर पैसे लेता था। नजर रखो इस योगेश पाल पर, जिस बेरोजगार की बात कर रहा है हो सकता है ये खुद ही हो और झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा है। आप ये कहना चाहती हैं कि आरती ने खुद मेरे बेटे अपने पति को मार डाला?
देखिए अभी तक ऐसा कुछ सामने तो नहीं आया है कि किसने किया है, आपकी बहू आरती ने या किसी और ने। क्या लगता है आपको, आपकी बहू आरती ऐसा कुछ कर सकती है? किशोर, वैभव आपका काफी अच्छा दोस्त था। जी सर, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, या साले कम दोस्त ज्यादा थे। पार्वती जी आपको क्या लगता है कौन मार सकता है वैभव, क्योंकि हमें अभी तक कोई भी खास सुराग नहीं मिला कि आरती का हाथ हो सकता है वैभव को मरवाने। हाँ सर, मुझे पता था वैभव स्टूडेंट्स को चीट कर रहे थे, जॉब का प्रॉमिस करके उनसे कैश लेते थे। ऐसे एक नाराज स्टूडेंट का फोन आया था मुझे। कोई भी नाराज होगा, और ये सब तब शुरू हुआ था जब मैंने अर्थराइटिस की वजह से क्लासेस से ब्रेक लिया था, और उस एक साल में वैभव बहुत बदल गए थे। वो सिर्फ बेईमान ही नहीं हुए थे, बल्कि काम को लेकर अपने सारे एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब भूल गए थे। हमारी शादी को एक ही साल हुआ था, तो हमने सोचा कि मिलकर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाएंगे। उसके लिए हमने मेहनत की सारी कमाई, सारी सेविंग सब लगा दी, लेकिन वैभव ने सब बर्बाद कर दिया। वैभव का मर्डर आपने किया? क्या ये आप क्या कह रहे? मैं उनका मर्डर क्यों करूंगी? मैं जानती हूँ कि वो बेईमान हो गए थे, गलत चीजों में पड़ गए थे, अफेयर्स शुरू हो गए थे उनके, वो स्टूडेंट्स को चीट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मर्डर करके मुझे क्या मिलेगा? ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स, इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके और आपके भाई मोहन के बीच में अचानक से बहुत ज्यादा बातें होने लगी जो कि पहले नहीं होती। सर, मेरे भैया कोचिंग क्लासेस में शेयर होल्डर हैं, और क्लास शुरू करने के लिए ना अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है, तो बस उन्होंने शुरू में एज साइलेंट पार्टनर हमारे साथ इन्वेस्ट किया। आरती जी, या तो आप मेरा सवाल समझे नहीं, या फिर शायद समझना चाहती नहीं। मेरा सवाल यह है कि आप दोनों भाई बहन के बीच में अचानक से इतनी ज्यादा बातें क्यों होने लगी? सर, मोहन मेरे भाई, मैं उनसे कभी भी बात कर सकती हूँ, और अर्थराइटिस की वजह से जो मैंने ब्रेक लिया था क्लास से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में मुझे उनकी हेल्प लगती थी। अच्छा ये बताइए, अगर वैभव नहीं रहते तो कोचिंग सेंटर पर पूरा पूरा मालिकाना हक आपका और आपके भाई अब दोनों का ही होगा ना? हेलो, उस्मान बोल रहा हूँ। आरती भी आपके सामने है। उस पर एक प्रेम मिश्रा नाम का एक बाउंसर फेंको ना। पहले कुछ बैकग्राउंड बोल। ये प्रेम मिश्रा एक साल पहले तक इनके एडमिन सपोर्ट स्टाफ में काम करता था, वैभव ने इसको नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, आप प्रेम मिश्रा को तो जानती होंगे। हाँ जानती हूँ, तो इस प्रेम मिश्रा को एक साल पहले वैभव ने नौकरी से निकाल दिया था, है ना? हाँ। क्यों? पता नहीं, वैभव ने बताया था कि प्रेम ने कुछ फ्रॉड किया था। नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं है, अपना रेजिग्नेशन लेटर दो, कल यहाँ मत आना। वैभव ने मुझे नहीं बताया था कि प्रेम ने एग्जैक्टली किया क्या था, लेकिन उसे नौकरी से निकालने का फैसला वैभव का ही था। प्रेम मिश्रा तो आपके कोचिंग सेंटर में सपोर्ट स्टाफ था ना? जी। तब भी वैभव ने आपको वजह बतानी जरूरी नहीं समझी? आफ्टरऑल आप भी तो कोचिंग सेंटर में एडमिन इंचार्ज थी। वैभव ने प्रेम को कई बार जाली साइन करते हुए और चेक से पैसे निकालते हुए पकड़ा था। अब ये तो प्रेम मिश्रा ही बताएगा कि उसने क्या घपला किया था। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेफिक्र रहिए, ये सारे सवाल हम प्रेम मिश्रा से भी पूछेंगे, पूछेंगे उससे कि उसने क्या घपला किया था। सर, मेरी टीम योगेश पाल पे नजर रख रही थी, योगेश पाल ही हमें प्रेम मिश्रा तक लेके गए। साहब उसी दिन मुझे योगेश पे शक हुआ, सोचा देखिए आखिर ये चीज क्या है। देखो तो साहब क्या निकला, एक्स स्टूडेंट नहीं, एक्स एम्प्लॉय के साथ मिला जिसे नौकरी से निकाला गया। अभी इस्तीफा दे और निकल यहाँ से। ये प्रेम मिश्रा हमारे सामने नहीं आया था, अब ये बताओ कि तुमने इस प्रेम मिश्रा का बाउंसर आरती के सामने फेंकने के लिए क्यों कहा था? ऐसे रिएक्शन देखने के, क्योंकि मुझे योगेश की कहानी में 100% झोल देखते हैं। सर, हो सकता है जॉब के नाम पर पैसे लेने वाली कहानी पूरी तरह झूठी हो जो हमें गुमराह करने के लिए सुनाई गई हो। पॉसिबल है, क्योंकि इस प्रेम मिश्रा का नाम सुनकर आरती घबरा गई थी, और प्रेम मिश्रा को नौकरी से निकालने वाली जो उसने कहानी सुनाई उसमें दम नहीं लगता। और जब मैंने उसके सामने ये घपला क्रॉस चेक करने वाली बात कही और भी हड़बड़ा गई थी। उसने सोचा हो कि हम वैभव के अफेयर और उसके जॉब के नाम पर पैसे लेने वाले एंगल में इतने फंस के रह जाएंगे कि प्रेम मिश्रा के एंगल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आरती बेटा, पुलिस आई थी,
पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो कहना चाहती है कि मैंने वैभव को मरवाया है। मां, मैं मानती हूं कि मेरे और वैभव के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन मेरे अंदर इतनी घिनौनी सोच ने कभी जन्म नहीं लिया कि मैं वैभव को ने आप लोग को बुलाया है। हेलो मैम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आपकी चिट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा था आप कोचिंग क्लासेस के जीएसटी भरने में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सुरेश जी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुरेश जी आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा। मैं आपको सब समझा देता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए, कहाँ? कोचिंग सेंटर में? कब? सर आपको वैभव जोशी याद है? हाँ, वो एवी कोचिंग सेंटर वाला ना? हाँ सर, उसकी बीवी आरती जोशी का मर्डर हो। कब? कहाँ? सर कोचिंग क्लासेस, उसके खुद के केबिन में। सर वीना क्राइम स्पॉट पर पहुंच रही है। ये आरती बेल पर बाहर थी? यस सर। आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ मैं मानती हूँ प्रेम के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन ये अफेयर मैंने वैभव से बदला लेने के लिए किया था। आरती जोशी बहुत हो गया, बहुत घुमा लिया, अब खेल खत्म। हमें पता है कि आपने प्रेम मिश्रा के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, किसी को नहीं मारा है। मिलिए, आ गए आपके प्रेम। तो प्रेम मिश्रा जी, प्रेम से बोलेंगे या थोड़ा कष्ट का मिश्रण करें? सर वैभव को मारने का प्लान आरती का ही था। ये झूठ बोल रहा है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आरती आरती सब खत्म हो चुका है, तुम भी सच मान लो। नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। इसने मारा है वैभव को और अब इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। आरती जोशी, इस तरह चीखने चिल्लाने से आप गुनहगार से बेगुनाह नहीं बन जाएंगे। और आरती, वैभव के मर्डर में तुम्हारा मोटिव और हाथ दोनों क्लियर है। क्या सच में आरती वैभव के मर्डर की मास्टरमाइंड थी? हम गलत तो नहीं थे? आरती, आरती सर, किसने मारा मेरी बहन को? वैभव जोशी के कत्ल के 2 साल बाद 2019 में उसकी पत्नी आरती जोशी का भी कत्ल हो गया। किसने मारा आरती को और क्यों? वैभव मर्डर केस में पुलिस को यकीन था कि आरती प्रेम के साथ मिली हुई थी और दोनों ने मिलकर ही वैभव की किडनैपिंग और उसके कत्ल को अंजाम दिया था। क्या वाकई में आरती का उसके पति की हत्या में हाथ था, या फिर इस सब के पीछे कोई और था जिसने अपने किसी फायदे या बदले के लिए वैभव की हत्या करवाई और फिर उसमें आरती को फंसा दिया और अब 2 साल बाद आरती की भी हत्या करवा दी पैसे लेकर नौकरी दिलवाना? क्या ये वजह हो सकती थी वैभव और आरती के मर्डर की? वैभव का कत्ल साजिश और मकसद और फिर 2 साल बाद आरती का कत्ल, इस सब के तार आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन कैसे और क्यों ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।